उनके चरण स्पर्श किए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वह अत्यधिक पवित्र है और मैं इस योग्य नहीं हूँ। उनके दर्शन में ऐसा क्या था जो हमें बांध लेता था? रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। महाराज जी अपने भक्तों के अंतःकरण की भाषा कैसे समझते थे, इसका एक उदाहरण उनके एक अमेरिकी भक्त ने अपने संस्मरणों में दिया है। इस भक्त का नाम बदलकर महाराज जी ने रामदास रख दिया था। भक्त लिखता है, मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि महाराज जी के चरणों में पढ़ने के बाद किस प्रकार प्रथम भेंट के उपरांत ही मेरे भीतर तिरस्कार और अहंकार की भावना का लोप हो गया। महाराज जी से मेरी दूसरी या तीसरी भेंट थी। मैं महाराज जी के पास बैठे हुए अपने पास के आदमी को गौर से देख रहा था। उसके मुख के भावों से लग रहा था कि वह आनंद की तरंगों की अनुभूति कर रहा है। मुझे उसे देखकर ईर्ष्या होने लगी। हम एक दूसरे के बगल में पलती मारकर बैठे थे। वह व्यक्ति 50 वर्ष के करीब का लग रहा था, किसी स्कूल का प्राचार्य था। महाराज जी तखत पर एक चमकीला कंबल लपेटे बैठे थे। उनका सिर ही कंबल के ऊपर दिखाई दे रहा था, एक पांव नीचे की तरफ लटक रहा था। वह आदमी बड़ी ही कोमलता और प्रेम से वह पैर मल रहा था। मैं उसके स्थान पर आने के लिए तरस रहा था। मेरे मन में उस भक्त के प्रति ईर्ष्या होने लगी थी। महाराज जी मंदिर के अहाते के पीछे एक छोटे से कमरे में 20-25 व्यक्तियों से बात कर रहे थे। इस बातचीत के दौरान जो हिंदी में बात हो रही थी और जिसे मैं नहीं समझ पा रहा था, महाराज जी का एक पांव मेरे ही बगल में कम्बल के नीचे दिखाई दिया। मेरे मन में शंका हुई कि शायद महाराज जी के करीबी भक्त ही उनके पांव दबाने के अधिकारी हैं। मैं तो नया हूँ, इसलिए यह पवित्र कार्य नहीं कर सकता। लेकिन मैंने सोचा कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे कोई उनके लिए दोषी नहीं ठहराएगा। अतः मैंने हाथ आगे बढ़ाए, चरण स्पर्श किए और उन्हें मलना शुरू किया। परंतु आनंद की अनुभूति की अपेक्षा मेरा मन संशय और भ्रम से इतना भर गया कि मैं यह तय नहीं कर पा रहा था कि मुझे पांव उंगलियों से मलना चाहिए या हथेलियों से। जिस प्रकार महाराज जी का पांव दिखाई दिया था, उसी प्रकार उसे कम्बल के अंदर खींच लिया गया। मेरा मन स्वयं को अपनी अपवित्रता के लिए धिक्कारने लगा था। इस दर्शन के दौरान महाराज जी मेरे आत्मज्ञान का अधिकाधिक संचालन करते रहे और मुझे निस्सीम अंतरिक्ष में ले गए। ठीक उसी क्षण महाराज जी का पांव मेरे सामने था। मैं उनका पांव दबाने लगा और इस समय मेरा मन इतना आत्मविभोर हो उठा कि मैं चरण दबाने की विधि का विश्लेषण नहीं कर पाया। मैं उस पांव से ऐसे चिपट गया जैसे डूबता हुआ व्यक्ति अपनी जीवन रक्षा से चिपट जाता है। एक दिन मैं महाराज जी का पांव बहुत देर से दबा रहा था। एक सवाल मन में उठा कि क्या मैं महाराज जी का पांव दबाने के लिए इतना ही पवित्र हूँ? तब मैं विचारों से दूर प्रेम की उस आधिकारिक गहराई में पहुँच गया जहाँ महाराज जी के चरण दबाने को ही नहीं वरन उनके प्रति मेरे प्रेम का भी कोई विचार नहीं रह गया। मैं तो उनके चरणों में मात्र तैर रहा था। सीता हमेशा हमारी दाहिनी ओर बैठी रहती और मैं इसे धकेलते हुए आगे पहुंच जाता और झपट कर महाराज जी का पैर पकड़ लेता। सीता भी वही पैर पकड़ना चाहती, इसलिए मेरे और उसके बीच एक दूसरे को धकेलने की प्रतिद्वंद्वता चलती रहती। वह मुझे बाहर जाने के लिए कहती और मेरे सामने अपना कंधा अड़ा देती। महाराज जी कभी अपना पैर उसे दे देते, कभी मुझे। मैंने बहुत ही कम उनके चरण स्पर्श किए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि
वह अत्यधिक पवित्र है और मैं इस योग्य नहीं हूँ। उनके दर्शन में ऐसा क्या था जो हमें बांध देता था? क्या वह अनेक स्तरों पर परिवर्तन था या काल रहित क्षण या संभवता, आत्मीयता और प्रेम? या क्या ये बातें करना और झगड़ना और रहस्य विनोद था या पवित्रता थी? क्या यह संपर्क आत्मगत था जो हमारे द्वैत के अनुभव करने से परे था? महाराज जी, आप कौन हैं? क्या आप इस सबसे पृथक ही हैं? इसका कोई उत्तर नहीं, वास्तव में कोई प्रश्न ही नहीं है। दर्शन मात्र ही है जो महाराज जी की कृपा है। हर रोज महाराज जी की कथा सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं, वो दुनिया से परे हैं। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।